वो एक्चुअली आज रिचा का फोन आया था, उसने डिनर पे बुलाया हम दोनों को। मैं सोच रही थी आज संडे भी है, तुम्हारी छुट्टी भी है, तो बड़े दिनों से कहीं नहीं गए, तो मूवी जाते हैं, फिर रिचा के घर जाते हैं। नहीं यार, हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें अच्छा लगता हुई मेरे को? अरे बड़े दिनों से देख रहे हो, इतने उखड़े उखड़े से रह रहे हो, बात भी नहीं करते ठीक से, सामने तक नहीं देखते, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते भी नहीं, सामने देखते भी नहीं हो? मेरी मर्जी, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, बट ये जो आप रोज, ये जो आपका बिहेवियर, आई जस्ट रियली डोंट लाइक दिस। तुम्हारी बीवी हूं, तुझे नहीं तो मैं किसे बताऊंगी? करना वो करो, आई डोंट केयर, जो करना हो करो, जो बोलना सोचना हो सोचो, सॉरी। रात के सन्नाटे में एक कशिश सी है, तेरी चाहत में एक नुमाइश सी है, जब चाहती हूँ तुम्हें आके छूना, न जाने ये हाथ क्यों आज कांप उठे, तुम्हारी नजरों ने जब हमें था चूना, तब मेरे कमजोर कदम क्यों तुम्हारी ओर चल उठे, वो लम्हे जो हमने बिताए थे साथ, आता है वही एक लफ्ज हमें आज याद, हाथों में हाथ लेकर तुमने, नजरों से नजरें मिलाकर तुमने, कह दी थी जो एक अनोखी बात, ठहर गई थी जमीन मेरे पैरों तले, बिन तेरे अब ये जान, ये दिल और कितना जले, सुनने को तुम्हारी सुरीली आवाज मेरे कान थे तरसते, कहा मैंने खुद से ए दिल तू ठहर जा, ना हो खुश बस मांग रब से एक मीठी दुआ, कि रहे ये पल यूं ही ठहरा सा रुका हुआ, मैं समेट लूं सपने सारे जो बिखरे से थे, मैं जोड़ लूं बंधन सारे जो टूटे से थे, उठाकर मेरी पलकों ने जब तुम्हारी पलकों से बातें की, तुम्हारी आवाज ने जब एक हल्की सी पेट में गुदगुदी की, मैं नहीं रह सकती अब और यहाँ, मुझे जाना होगा न जाने कहाँ, तुम मुड़े और ले गए अपने साथ मेरा दर्द प्यार और जान, ठहर सा गया वक्त मेरा, मेरे आंसू और मेरी सांस, रह गए हूँ बस तेरी याद में, मैं बस एक जिंदा सी लाश।